हाँ जय माता दी। और सुनवासुमी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत से होंगे। अम्मा भगवती से यही कामना करता हूँ आप लोग जिधर भी रहो उधर खुश रहो। चले दोस्तों, एक अच्छा साधक के लिए कौन कौन से माला उसके पास होना बहुत जरूरी होता है एक तंत्र लाइन में। क्योंकि देखो, आप जब ये तांत्रिक बनना चाहते हो, अवर बनना चाहते हो, अघोरी बनना चाहते हो, ठीक है, या डाइन बनना चाहते हो, या तू नहीं जब बनना चाहते हो, तो पांच माला जो मैं नाम रख रहा हूं वो पांच माला क्या करिए कि आप अपने पास कहीं से भी व्यवस्था करके रख लीजिए, ठीक है। मैं इधर कोई माला का इधर प्रचार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखो साधक लोग का जो सुझाव होता है, जो ज्ञान होता है, मेरा पास जो भी रहता है मैं अपने हिसाब से मैं देने का प्रयास करता हूं, ताकि आगे चलकर उसको कोई परेशानी या कोई ऐसा मुसीबत ना आए। क्योंकि शुरुआती समय में मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि मुझे भी एक फोकस था काला जादू करना और सीखना। क्योंकि मेरा उस्ताद जो होते हैं, ये मंत्र के विधान सब बता दिया, उसके बाद में क्या हुआ कि माला का विधान लग गया बताने, तो क्या हुआ कि मैं भी अचंभव में पड़ गया। मैं बोला कि देखो इसका पास एक दूसरा राज है, ठीक है। फिर क्या होता है, हम लोग जो भी कार्य करते हैं, जो भी साधना करते हैं, उसमें फलीभूत होता है और उसका ऊर्जा जो होता है मिलता है, फिर भी हमारा कार्य जाकर फिर होता है। हम लोग क्या करते हैं कि चलो ना एक ही माला से हम लोग जो भी साधना रहता है, जो भी क्रिया रहता है, हम लोग एक ही माला से कर लेते हैं। इसी कारण से जो सही रिजल्ट आना चाहिए, जो सही शक्ति मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। लेकिन आज वही पांच माला के बारे में मैं खोलने जा रहा हूं, एक अच्छे टोना ही डाया जो तांत्रिक और अघोरी लोग के पास ऑलरेडी पहले से रहता है। आप लोग ये लाइन में जब हो, कब का समय लग जाएगा भाई कोई नहीं जानता, इसलिए मैं बोलता हूं ये जो माला होता है इतना सहज पूर्वक नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप लोग कहीं तीर्थ जा रहे हो, कहीं धाम जा रहे हो, या कोई मंदिर जा रहे हो, कोई मस्जिद जब जा रहे हो, तो उधर क्या होता है कि एक मेला लगता है, एक झुंड लगता है, एक भीड़ लगता है, उसी में क्या होता है वो चीज उधर मिलता है। आप पहले से जानकार जब रहेगा तीर्थ खोजोगे ना, तब वैसा वैसा तीर्थ पर जा रहे हो, कोई धाम जा रहे हो, कोई बाबा के दरबार जा रहे हो, कोई माता के मंदिर के पास जब जा रहे हो, तो माला जब मिल जाता है तो भाई देखो पैसा किसी महत्व नहीं रहता है, ठीक है। वो सामान सही जब मिल जाता है तो पैसा जानते हो कि नहीं, आदमी इधर उधर से कहीं से भी इकट्ठा कर ले, लेकिन वो चीज समय आता है तो नहीं मिलता है पैसा देने के बावजूद। तो मैं बोल रहा हूँ पांच माला के बारे में बता देता हूँ, आप जाते हो तो उधर से क्या करिए कि लिया कर व्यवस्था कर लीजिए, ठीक है। अरे तो आप लोग बोलोगे हाँ, ये तो बोलोगे कि नया साधक रहता है, वो लोग लोकल कॉल रहता है, वो लोग कोई बात समझ में नहीं, मेरा रिचार्ज कराना थोड़े है, चलो रिचार्ज पहले ऑलरेडी किया गया है, मैं कॉल कर लेता हूँ। गुरु जी आप क्या करिए ना कि मुझे पांचों माला मुझे बैठा दीजिए। तो मैं माला जो होता है मुझे कोई बिजनेस भाई नहीं किया, मैंने बिजनेस नहीं किया हूं कि चलो मेरा पास है मैं क्या करूं कि आपके पास बैठा लू, खुद आपका व्यवस्था करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि देखो तामसिक शक्ति को जो साधना हम लोग करते हैं उग्र रूप से, तो काला हकी के जो माला होता है वो आपके पास होना बहुत जरूरी होता है ये तंत्र लाइन में। तांत्रिक एक बार और मैं बोल देता हूं, तांत्रिक कोई साधना करना चाहते हैं, यानी कि काली राति जो होता है, मैंने काली रात्रि जो साधना जो होता है, यानी कि उग्र शक्तियां का रात में जो किया जाता है, तो आपका काला हकी के माला से उस समय प्रयोग होता है भाई, ऑलरेडी लिया कर अपने पास रख लीजिए। बोलोगे काला हकी का माला किधर मिलेगा, कोई दरगाह होगा, पीर फकीर का जो स्थान होता है, या कोई माला मेला में जा रहे हो, कोई तीर्थ जा रहे हो, तो उधर खोजने का प्रयास करिए। क्योंकि आप लोग के पास सिर्फ रुद्राज का माला होता है, लेकिन रुद्राज का माला भी कार्य लगता है, लेकिन सब काम में भाग नहीं लेता है, लेकिन मजबूरन बस क्या करते हैं हम लोग कि रुद्राक्ष जो माला होता है उसी का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, फिर भी सही से ऊर्जा नहीं मिलता। देखो अब देखो शास्त्र में भी लिखा गया है कि काली का जो मंत्र जो होता है जाप किया जाता है काला हकी के माला से। आप लोग क्या करते हो कि चलो ना इमरजेंसी बस क्या करते हैं रुद्राक्ष का माला से जाप कर लेते हैं, लेकिन जो तांत्रिक होता है अभर होता है अघोरी होता है, जो टोनाई होती है वैसा नहीं करती है, जो विधान मंत्र का रहता है वही हिसाब से माला का अपना यूज कर लेती है, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों के पास रहता है, लगाती नहीं है, काम करती है फिर जाकर अपना रख देती है। काले हकी के बारे में तो आप लोग पता चल गया, उसके बाद में रुद्राक्ष के माला,
रुद्राक्ष के माला में क्या होता है कि हम लोग जैसे मानकर चलो महादेव जी का साधना करते हैं, पार्वती जी का साधना करते हैं, ठीक है, तो क्या करें जैसे गणेश जी का करते हैं, कार्तिकेय करते हैं, नंदी का कोई नामकरण करना होता है, गुरु मंत्र का जाप किया जाए, तो उस समय क्या होता है, इसका प्रयोग में हम लोग ला सकते हैं और लेते हैं इसको, ठीक है। तो वो भी माला कोई कम नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में उसको कार्य वो लिया जाता है, ठीक है। तो दूसरा का ये माला हो गया, तीसरा का माला आपको चाहिए मूंगा के माला। अब बोलेंगे कि मूंगा का माला कैसे लेना है, यही बात बोलोगे ना। काले हाथी का भी माला बोला कि लाइट के ऊपर मत जाइए, डिम कलर का रहेगा, काला हाथी का माला डिम कलर का रहेगा वही लेना है। जो जो मैं माला के बारे में बता रहा हूं डिम कलर का रहेगा वही लेना है, लाइट के ऊपर नहीं जाइए भाई, वो हो गया। उसके बाद में रुद्राक्ष जब माला जब लोगे तो एकदम काला एक आता है और एक आता है थोड़ा दूसरे टाइप की आता है, ठीक है। तो क्या जो काला जो होता है रुद्राक्ष के माला में आता है ऑलरेडी पहले से काला टाइप में रहता है, वही आपके पास माला जब मिल जाता है तब बहुत अच्छा बात है। उसके बाद में आता है मूंगा के माला, मूंगा के माला लिया कर रख लीजिए, ठीक है। उसको क्या होता है मारण क्रिया के प्रयोग में उसको लिया जाता है मूंगा के माला, या मारण क्रिया के जो भी मंत्र जो होता है उसका जाप के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वो माला का प्रयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद आता है चंडमुंड के माला, काली के मंत्र से क्या होता है कि चंडमुंड के माला से जापा जाता है, लेकिन उसका जो विधि विधान होता है काला हकीम के माला से जो तांत्रिक जो लोग करते हैं तो उनका जो ऊर्जा होता है शक्ति होता है प्रॉपर 100% मिलता है। चंडमुंड के माला ज्यादा बड़ा नहीं है, जाप के ले लेना, छोटा सा लेना 1300-1400 में आ जाएगा, ठीक है, 108 दाना का वो लेना है आपको। लास्ट में चल के मैं एक प्राइस भी मैं बता दूंगा कि कौन सा माला है कितना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल जो माला जो लोग चंडमुंड का, ठीक है, तो आप लोग 1400-1500 का 20 से लेकर 3000-3500 का लपेट में जब जाओगे तो वो माला अच्छा मिलेगा। इसके बाद में चंडमुंड का तो माला हो गया, उसके बाद में आपको आएगा उसमें स्फटिक के माला, उसके बाद में स्फटिक के माला आएगा इसमें, ठीक है। तो स्फटिक के माला लेना है भाई, लाइटगर नहीं लेना है, डीम कलर के लेना है, ठीक है। अब बुझाएगा उसका अंदर एकदम रिघारी जैसा आपको दिखाई, टूटा फूटा लेकिन टूटा फूटा नहीं रहता अंदर से। मैं फिर से क्या करता हूं एक बार और माला का जो नाम होता है नाम बता देता हूं ताकि आप लोग का समझ में आ जाए, क्योंकि देखो पहल का जो माला आप लोग के पास ऑलरेडी है रुद्राक्ष के माला, ठीक है। वो रुद्राक्ष के माला जो होता है इंटरनेशनल होता है, हर जगह कार्य लगने वाला माला जो होता है हम लोग इंटरनेशनल माला उसको बोलते हैं। उसके बाद में आपको आएगा मूंगा के माला, दो हो गया मूंगा के माला, उसके बाद में स्फटिक के माला, उसके बाद में आएगा चंडमुंड के माला, उसके बाद में आएगा काला हकी के माला। ये 5 माला है आपके पास, लियाकर भाई जहां से हो वहां से व्यवस्था करके रख लीजिए। इसका जो माला का जो एक प्राइज होता है ना, ऐसा मैं डिसाइड नहीं कर सकता, ऐसा फिक्स नहीं बता सकता, हाँ एक अनुमान लगाया जा सकता है कौन सा माला का कितना पड़ता है। मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि रुद्राक्ष का जब माला जब लोगे अच्छे वाला जब माला लोगे, जैसे रुद्राक्ष में आता 2 का माला आता है, ओरिजिनल में 2 के माला आता है, तो इसमें से जो पावरफुल वाला जो होता है एकदम काला रहेगा, कॉले रहेगा। ये नहीं बोलिए कि उसको तेल में भिगो दिया कुछ दिन के बाद में वो काला हो गया, वो नहीं, जब लोगे उधर क्या होगा कि वो काला मिलता है, वो आपको माला लगभग 400-500 के लपेट में पड़ जाएगा जो अच्छे वाला जो होता होगा उसका, ठीक है। हमारे नेपाल का जो रुद्राक्ष होता है इतना में क्या होता है आप लोग का मिल जाएगा, 400-500 में क्या होता है अच्छे वाला जो रुद्राक्ष का माला है वो मिल जाएगा, ठीक है। स्फटिक जो माला होता है अच्छे वाला स्फटिक जब लोगे तो आपको 400-500 का लपेट में 108 जो दाना जो होता है वो मिल जाएगा। स्फटिक के माला भी जो लोगे तो ज्यादा लाइट वाला नहीं लेना है, ठीक है, नहीं तो क्या होता है वो स्फटिक नहीं रहता है, वो पत्थर को बनाया गया है, ठीक है। और डिम कलर का लोगे, क्योंकि देखो डिम कलर का लोगे तो अंदर में देखोगे तो बुझाएगा कि एकदम फूटा जैसा एक रिघारी जैसा आपको दिखाई देगा स्फटिक के माला में, ओरिजिनल वही है। उसके बाद में लेना है मूंगा के माला, मूंगा के माला ऐसा नहीं लाइट वाला भी नहीं लेना है, एक कलर का रहता है, ठीक है, इससे थोड़ा माने वो दूसरे टाइप के रहता है, ठीक है, ऐसा पीला मन का चलो लाल टाइप के ऐसा ही रहता है लेकिन ये थोड़ा फीका कलर है, ठीक है, और वो वाला थोड़ा
ज्यादा यथी रहता है, इसलिए मैं बोले कलर में ज्यादा रहता है। तो वो क्या होता है कि आपको उसमें भी दो वैरायटी का आता है, एक वो होता है आपको लाल टाइप के, मैंने लाल टाइप के आएगा यानी लाइट रहेगा उसमें, एक आएगा लाल में थोड़ा मध्यम टाइप का आएगा, तो मध्यम वाला आपको लेना है, क्योंकि भाई कार्य करना है, दुनिया को दिखाना नहीं है वो चीज। वो माला जो होता है ये सही रहता है। हाँ, काले हकीकत जो माला जो रहता है, तो देख लीजिए मैं लिया कर रखा हूं, उसके बारे में क्या होता है कि बताना मुश्किल है, क्योंकि वो भी एक अजीब खाल के माला होता है, एकदम काला रहता है, वो भी दो वैरायटी आता है, एक लाइट रहता है, एक रहता है डीम कलर का, था डीम कलर का आपको लेना है। उसके बाद में लेना है आपको चंड मुंड का माला। तो चंड मुंड के माला भी जब लोगे तो क्या करना है आपको, उसको लेना है छोटे वाला दाना लेना है, यानी कि देखो चंड मुंड के माला ये मुंडी सिर्फ रहता है, तो उसमें फरेश जो होता है ना, फरेश बनावट जो होता है वो ले लीजिए, आ नहीं तो उसमें भी आता है एक अंगुली का, इंसान का अंगुली का सिर्फ वो बनाया जाता है, स्पेशलिस्ट जो होता है ना, स्पेशलिस्ट जो होता है तांत्रिक लोग के लिए वो मिलता है, वो माला भाई थोड़ा महंगा देता है, क्योंकि 1500 से लेकर आपको 3500-5000 के लपेट में वो जो माला बता रहा हूं वो है, लेकिन उतना महंगा आप लोग लेकर क्या करोगे, 108 दाना को मिल जाएगा, 500-600 में मिल जाएगा, अच्छे वाला मीडियम क्वालिटी का रहेगा, लेकिन वो अच्छे वाला रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जो मूंगा का माला रहेगा वही 300-400 का अच्छे वाला जो माला होता है वो मिल जाएगा। काले हकी के माला 500-600 के आप लोग का मिलेगा, स्फटी के माला 450-500 का लपेट में मिल जाएगा, रुद्राज के माला होता है ओरिजिनल का मैं बात बोल रहा हूँ आपको 450-500 का लपेट में मिल जाएगा, नहीं तो रुद्राज के माला तो आप 100-150 में मिल जाएगा, स्फटी के माला जो होता है आपको 150-200 में ये अच्छे वाला मिल जाएगा। उसके बाद चंड मुंड का जो माला होता है खूब मिलेगा तो 300-250 या 300 में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो मूंगा के माला होता है 100 या 150 में वो मिल जाएगा, काले हकी का माला जो रहता है वो भी 100-150 में आ जाता है। तो माला ऐसा लीजिए ताकि भविष्य में चलकर काम उसे ले सके या काम हो सके, क्योंकि सिर्फ नाम का माला मत रखिए भाई, काम के भी माला रखिए। पैसा लगता है, ठीक है लागने दो, अभी लग रहा है, लेकिन ये पैसा कब आपको महसूस होगा कि पैसा मैं दिया, हाँ इसी कार्य के लिए, लेकिन वो जब कार्य जब करोगे आ कार्य आपको उस माला से आपको हो जाता है, उस समय आपको महसूस हो जाएगा कि चलो मेहनत किया क्या होगा, कि पैसा भी लगाया मेरा जो भी कार्य एकदम पूर्ण हुआ, उस समय महसूस होता है हम लोग का खुशी होता है, उमंग होता है कि चलो यही काम के लिए मैं क्या हुआ कि पैसा दिया था, क्योंकि साधक लोग के पास ये होना बहुत जरूरी है। अभी काल क्या होता है कि नया जब साधक जब आते हैं तो बोलते हैं कि गुरुजी परी के साधना कर रहा हूं, कौन सा माला का जरूरी पड़ेगा, भाई स्फटिक के माला यूज कर लीजिए, स्फटिक के माला गुरुजी कितना पैसा लगेगा, मैं पैसा बैठा देता हूँ आप उधर से बैठा दीजिए, मैं कोई बिजनेस मैं नहीं किया हूं, सुनाई दे रहा है मैं बिजनेस नहीं किया हूं, जो भी पांच माला के बारे में बताया वो माला अपने पास भाई रख लीजिए, जिधर से भी मिलता है, मैं बताया ना कोई तीर्थ जाओगे पीर फकीर का जो स्थान रहता है उधर जाओगे, कोई मस्जिद में जाओगे, कोई मंदिर में जाओगे, उधर ये जो माला होता है ऑलरेडी जो बेचने वाला जो होता है, ठीक है, तो उसके माध्यम से आप लोग का मिल जाएगा। अब बोलोगे गुरु जी मंत्र माला का प्राण प्रतिष्ठा होता है, भाई होता है, उसका भी विधान है, लेकिन ये विधान थोड़ा अलग है। सब मंत्र का क्या होता है कि उसको विधि विधान होता है, ये नहीं है नहीं होता, विधि विधान होता है, लेकिन बसरते बाद हम लोग किन कर यूज में जब करते हो तो हम लोग 85% उसमें ऊर्जा मिलता है, और उसका विधि विधान से क्या होता है कि उसका सीधी जब करवा लेते हैं तो आपको 75% से लेकर 95% तक हम लोग का ऊर्जा मिलता है, इसीलिए विधि विधान होता है। जल्दी जब कार्य जब कराना जब चाहते हो या लेना जब चाहते हो तो क्या करिए भाई, जो भी आप माला जब रखे उसको प्राण प्रतिष्ठा करवा लीजिए, उसके बाद में कार्य में लीजिए। हमारे भी इधर होता है जो नवरात्रि आता है ना, नवरात्रि आता उस समय क्या होता है कि 9 दिन के अंदर में रुद्राक्ष के जो माला होता है, स्फटी के माला होता है, मूंगा के माला होता है, चंड मुंड के माला होता है, ठीक है, तो इसको क्या होता है कि सीधी हम लोग का इधर करवाया जाता है, उसको कर भी साधक जो स्पेशल साधक होते हैं, ठीक है,
स्पेशल जो साधक होता है, हाँ कि उनके देना जरूरी होता है, वो बोलता है कि मुझे लेना बहुत जरूरी, उसके लिए फिर वो क्या होता है, वो माला क्या फिर पैकिंग करके फिर कुरियर किया जाता है, ऐसा होता है जो साधक होते हैं तो। नहीं तो छोटा मोटा ये तंत्र विद्या करते हैं, उसके लिए माला का कोई जरूरी नहीं है भाई। जो इसमें उतर गया है लाइन, उसको पसंद पड़ गया, इसमें इंटरेस्ट रखता है, ठीक है, एक एक दूसरे से, एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है ना, वो हिसाब से तंत्र से प्रेम जब हो गया तो भाई आपको ये रखना जरूरी है, कब का मौका कैसा पड़ जाए। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है ना, ये तंत्र का हम लोग दीवाने होते हैं, माँ भगवती का दीवाने होते हैं हम लोग, दीवाने इसीलिए होते हैं कि मुंड पर कब चढ़ जाए कौन साधना के लिए, उस समय वो माला का खोजते खोजते फिर ध्यान उतर जाएगा, इसलिए होता है। पहले से ऑलरेडी जब लिया कर रखोगे या सोचेंगे चलो आज दिन अच्छा पड़े है, आज हम लोग साधना बैठेंगे, तो भाई सामान रहेगा तो फिर तो बैठ सकते हो ना, आई जल्दी हर जगह चीज मिलने वाला नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ पहले से ऑलरेडी लिया करो, चीज का व्यवस्था कर लीजिए। चलिए आज के लिए मैं इतने में बोला, और कोई बात नहीं है, ठीक है। जो भी साधक और साधिका है आपके पास में, कोई भुलाया भटका रहता है आपसे थोड़ा हो या ज्यादा हो, तो उन तक मेरा निवेदन है यही कि उन तक मेरा वीडियो जो होता है वो शेयर करिए, वो भी ये पांठो माला होता है, पांठो माला ऑलरेडी पहले से लिया कर रखें। ये माला कोई गुरु नहीं बोल सकता है, कोई साधक नहीं बोल सकता है हाँ कि ये माला आपका जरूरी नहीं पड़ेगा। ये तंत्र जब सीख रहे हो तो, ये तांत्रिक लाइन में हो तो, और नहीं तो क्या होता है कि पूजा पाठ सिर्फ करते हो उसमें भाई रुद्राक्ष का माला रहेगा उतने से आपका कार्य हो जाएगा। लेकिन मंत्र जो आदमी जानकार जो होता है, जानकार जब लेना जब चाहते हो, इसमें इंटरेस्ट है, तो क्या करे, उनके पास जो माला बोला किसके पास जैसा भी लगेगा, आज नहीं लगे, दो दिन के बाद लगे, दस दिन के बाद लगेगा, लेकिन लगेगा जैसा भी लगेगा। चलिए आज के लिए मैं इतने बोलूंगा, ठीक है। मेरा चैनल के अभी तक ले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। अभी के लिए चलता हूँ, जय माता दी, जय हो टैरी माई।